हेलो वेलकम टू केन स्टडीज सी ए पी एफ ए सी प्रीवियस ईयर इकोनॉमी में आज हम पार्ट टू देखेंगे इसमें टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देखो टू थाउजेंड नाइनटीन में जो है बहुत सारे कोर क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको जब तक इकोनॉमी का अच्छा से स्टडी नहीं किए तो ये मुश्किल था लेकिन यू कैन नॉट डू एनी आपको हमेशा कुछ ऐसे आते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है बट एनी anyway, uh, जब क्वेश्चन है तो आपको करना है आपको टोलीरेट करना है नो no इशू तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन अ प्रोडक्शन फंक्शन मोर मोर एंड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर आर इंक्रीज होल्डिंग द अडक्टर कॉन्स्टेंट अ पॉइंट इज रीच्ड बियॉन्ड विच देखो क्या होता है कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें दो फैक्टर लगाते हैं एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर में क्या हो गया आपका बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन आपने ले आया जिसकी कैपेसिटी टेन थाउजेंड यूनिट प्रोडक्शन करने का हर हर वीक में टेन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस करने की क्षमता है लेकिन आप उसमें वन यूनिट प्रोड्यूस करो या अप टू मैक्सिमम टेन थाउजेंड तक करो वो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रह गया लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि अधिक से अधिक आप प्रोडक्ट लगाते जाते हो फॉर एग्जाम्पल वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट वन प्रोडक्ट का ही लगेगा वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारा हो जाता है देखो एक तो लेबर होते हैं एक जो आपके बेज ये मंथली सैलरीड इम्प्लॉय होते हैं एक बेज लेबर होते हैं तो बेज लेबरर क्या है वेरिएबल कॉस्टिंग है जो फिक्स्ड में आप रखे हुए हो मंथली जिनको देते हो वो क्या है वो आपके फिक्स्ड वाले में है और जो डेली वाले में है वो वेरिएबल वाले में है फिर उसके बाद देखो और बहुत सारा रॉ मटेरियल है बिजली कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये सब तो यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रखते हैं और वेरिएबल जो फैक्टर है उसको हम इंक्रीज करते रहते हैं इंक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश का मतलब है कि जो उत्पादन होना चाहिए जो प्रोडक्ट का वो होना चाहिए वो उसके बाद कम होने लगेगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड जो आपका प्लांट मशीनरी है उसको तो कांस्टेंट रखा है तो मार्जिनल यानी कि एक्स्ट्रा जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी तो सी इसका हो जाएगा आंसर नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट देखो ये भी कोर क्वेश्चन इस बार मैक्सिमम जो है

सम होता है परफेक्टली इलास्टिक हो रहा नेक्स्ट कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इज अबव द एवरेज रेवेन्यू फर्म नहीं ये आपका जो होता है कि ये ये सपोज एवरेज रेवेन्यू है एआर तो ये आपका क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू तो ये बिलो होगा अबव नहीं बिलो होगा ठीक है तो ये आपका बी गलत हो गया तो आंसर हमारा बी ही हो गया

परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना डिमांड में चेंज होता है change, uh, के पर, के चलो, कि 10 तो डिमांड घटेगा क्योंकि जो डिमांड और uh, में क्या होता प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा लेकिन क्या होता हम मोडुलस फंक्शन में करके लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल टेन आपका प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड क्या होगा तो डिमांड डिमांड जो होगा वो चेंज होगा परसेंटेज में 10 यानी कि डिमांड 10 परसेंट कम होगा ठीक है तो ये तो इसको यूनिटी कह यूनिटी कहते हैं लेकिन जब इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी यदि हो गया तो इसका मतलब कुछ भी चेंज हो गया तो वो आ, माने प्राइस में थोड़ा भी चेंज हो गया तो आ, जो आउटपुट होगा यानी जो आ, सेलिंग होगा वह यानी डिमांड होगा डिमांड गिर जाएगा लेकिन यदि जीरो है एग्जाम्पल मेडिसिन में तो medicine करा है कि वॉट एवर चेंज इन प्राइस देर इज एवसोल्यूटली नो चेंज इन डिमांड ये आपका सही है देखो for example, medicine लेते हो medicine एक रुपया में मिल रहा मान के चलो एक टेबलेट पांच रुपया में मिल जाएगा तो क्या आप लेना बंद कर दोगे दस रुपया में मिल जाएगा हाँ यस एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास परचेजिंग पावर नहीं अब ऐसा है एक मेडिसिन है कोई भी दस रुपया में मिल रहा था और दस करोड़ में मिलने लग गया तो आदमी नहीं लेगा उससे उसके पास रहेगा ही नहीं तो जान दे देगा लेकिन नहीं ले पाएगा लेकिन यदि आपका फाइव टाइम टेन टाइम्स बढ़ जाए तब आप क्या है तभी लोगे लेकिन तो जिस कुछ ऐसे है लग्जरियस आइटम है या कुछ उस ढंग के चीज है जैसे फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल खरीदने गए तो प्याज आप दस रुपये खरीद रहे थे अब डायरेक्ट पचास रुपया हो गया तो आप शायद नहीं खरीदेंगे कि कुछ दिन प्याज नहीं खाएंगे तो ये लेकिन जीरो जब जिसका होता है इसका मतलब है कि कितना भी प्राइस में चेंज हो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा तो ए होगा अब देखो सेम फार्मूला पे जो पिछला हमने लगाया था कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वो मोडुलस फंक्शन में होगा ताकि पॉजिटिव हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है अब देखो तो क्या कर रहा है

40 into 100 करोगे तो 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 ये ये आपका आपका हुआ ठीक है है तो ऊपर कितना हो हो गया गया अब अब देखो देखो क्या क्या था नब्बे था उससे कितना हो गया एक सौ दस हो गया, तो गया? गया. यानी बढ़ गया तो नब्बे जो इनिशियल बेस क्या था नब्बे था तो ये बढ़ा कितना ट्वेंटी 20 बाई 90 इंटू हंड्रेड तो ये करोगे तो 22.22 .22 आएगा तो इसको 22.22 .22 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 1.5 कोई ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा कि आपका आ, होगा वो 1.5 ही होगा आंसर तो लेकिन ये नहीं है तो कोई भी आंसर नहीं होगा ऑफ द अब फिफ्थ कहा कि व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन बेयरिंग 24% इंटरेस्ट पर ईयर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10% तो देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% है यानी कि कोई भी चीज मान के चलो फॉर एग्जांपल ऐसे इसको समझो कोई वस्तु है उसको आज आप खरीद रहे हैं तो ₹100 लग रहा है 10% इन्फ्लेशन का मतलब नेक्स्ट ईयर यदि खरीदोगे तो 110 उसका कॉस्ट होगा यानी वन हंड्रेड अब देखो इंटरेस्ट कितना लग रहा है लिया तो कितना लग रहा है 124 आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ रहा है तो अब बेस तो यहाँ सौ ही है ना बेस सौ है तो डिफरेंस कितना हो रहा है चौदह तो इसका मतलब चौदह परसेंट है अब देखो इसको इसका फॉर्मूला जो होता है रियल इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट बराबर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन तो नॉमिनल कितना है ट्वेंटी फोर परसेंट माइनस इन्फ्लेशन टेन तो फोरटीन परसेंट तो सी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट करा इन एक क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो टैक्सेस मान के चलो कि फॉर बीइंग फॉर टाइम बीइंग कोई टैक्स नहीं लग रहा है इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ऑलवेज नाइन पॉइंट नाइन जीरो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर देखो मार्जिनल ये जो प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम इसका मतलब क्या होता है ना कि एक रुपया आपका इनकम बढ़ा यानी सौ रुपया आपका इनकम बढ़ रहा है तो नब्बे रुपया आप खर्च कर रहे हो जैसे अभी आपका आप एग्जाम्पल एक, के तौर पे वन थाउजेंड इनकम था तो इसका नाइन्टी परसेंट क्या होगा पॉइंट नाइन का मतलब नाइन्टी परसेंट यानी नौ सौ रुपया खर्च कर रहे हो अब देखो नौ सौ रुपया अब एक हजार आपका इनकम बढ़ गया तो एक हजार बढ़ गया तो दो हजार हो गया तो बढ़ा कितना एक हजार तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी तो ये कह रहा है कि ऑलवेज जितना भी इनकम अदरवाइज क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वह कम होते जाता है आपका ये इनकम बढ़ने के साथ फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपका आज पचास रुपया ये इनकम था तो पचास हजार रुपया इनकम था तो आप चालीस हजार खर्च कर रहे थे तो उस रेट में आपका बहुत ज्यादा इनकम होगा नहीं नहीं। तो नहीं ना क्योंकि क्या है रोटी आप चार ही खाएंगे ना ऐसा नहीं, नहीं इनकम बढ़ गया तो चौदह रोटी खाएंगे yes, यस होगा कि आप लग्जरियस आइटम अधिक खरीदेंगे होटल में अच्छे होटल में जाएंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये आपका ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो वन और बाई वन माइनस पॉइंट नाइन जीरो तो वन बाई पॉइंट वन जीरो इसका क्या हो गया टेन हो गया नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू सिंपल केनेजियन थ्योरी द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम तो ये देखो एक तरफ से से उसी रिलेटेड है कि 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 एक तरह से simple theory में क्या रहा है है जो भी आपका consumption है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या है कंजम्पशन आपका बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि नॉर्मली आपका दस हजार इनकम था तो कुछ खर्च कर रहे थे लेकिन बारह हजार इनकम हो जाएगा तो क्या आप इनकम कम नहीं, नहीं करेंगे एग्रीगेट जो कंजम्पशन होगा वो तो बढ़ेगा ही कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा लेकिन क्या होगा पॉजिटिव में ही बढ़ेगा तो जो एक्सपेंडिचर आपका है जो कंजम्पशन आपका है वो पॉजिटिव में ही रहेगा तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव ही होगा तो ए इसका आंसर हो गया नेक्स्ट आपका है कि वोट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस सीलिंग प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि इससे अधिक सीलिंग का मतलब छत आपका है कि इससे ऊपर आप नहीं रख सकते हो तो इसका मतलब क्या देखो फेयर बाय एयरलाइंस इन इंडिया नहीं एयरलाइंस इन इंडिया मान के चलो कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो नॉर्मल टाइम में सपोज चार हजार जैसे जैसे आपको नजदीक आते जाएगा हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि एकदम तुरंत जाना हो तो पचास हजार भी लग सकता है तो उस उसपे प्राइस सीलिंग नहीं होता है अब देखो प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट यस इस पर लिखा हुआ रहता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस साबुन शैम्पू ये सब में क्या होता है दुकानदार जितना प्राइस लिखा हुआ है उतना में ही आपको देता है इनफैक्ट मेडिसिन वगैरह में देखो कि कुछ जगह है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा ले लेता थोड़ा सा ज्यादा इन द सेंस ना कि मेडिसिन में देखना अभी भी लिखा हुआ रहेगा बीस रुपया पच्चीस पैसा

ये फ्लोर प्राइस है ये एक तरह से इसको हम ना तो फ्लोर प्राइस कह सकते हैं और ना सेलिंग प्राइस कह सकते हैं ये आपका सेलिंग प्राइस में है तो बी नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू एन इकोनमी विच इज ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में क्या होता है कोई भी इकॉनमी है उसमें क्या होता आपके है आपके लिमिटेड हैं और वांट जो आपके अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्स लिमिटेड हैं तो उसी से आप प्रोडक्शन करोगे कंजम्पशन करोगे वॉट्स वो एवर करोगे तो कोई भी इकॉनमी है यदि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर है तो इसका मतलब है कि कोई एक प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड या बाइसिकल या फिर आप स्कूल या आ, 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 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल

Of तो of कहता है कि कोई भी जो ये जॉन मिनार्ड किंग उन्होंने जो लिखा 1936 बुक में तो उसमें अब एग्जैक्ट इन्होंने टर्म क्वाइन किया या नहीं ये

था भी तब भी उन्होंने खर्च जो है अननेसेसरी खर्च को यानी कि कंजम्पशन को कम कर दिया कोई भी चीज था जिसको स्टॉप किया जा सकता था उसको कम कर दिया अब देखो सब लोग कंजम्पशन कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो एग्रीगेट जो है इकोनॉमी में आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और इन फर्दर जो है उसकी सेविंग यानी कि आदमी सेविंग को बढ़ा रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या हो वो फ्यूचर में सेविंग को आपका कम करेगा जैसे फॉर एग्जांपल आप पैसे आपके पास हैं उस पैसे को यदि आप इन्वेस्ट करते हो या एक्सपेंडिचर करते हो यदि सब लोग एक्सपेंडिचर करने लगेंगे तो इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट करेगी लेकिन लोग एक्सपेंडिचर बंद कर देंगे तो क्या होगा सेविंग अभी तो बढ़ जाएगा लेकिन फ्यूचर में सेविंग आपका क्योंकि मार्केट में ग्रोथ नहीं रहेगा

नेक्स्ट आपका है वन ऑफ द द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई वैल्यू देखो तब तत्कालीन समय में जब उस समय था तो देखो नॉर्वे इसमें फर्स्ट है तो फर्स्ट और फोर्थ तो समाप्त हो गया तो इसमें नॉर्वे स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड ये उस समय था लेकिन जो 2020 वाला जो रिलीज हुआ ये देखो 2019 में एग्जाम हुआ था तो 2020 में जो रिलीज हुआ था अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में फिर आ, होना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी में जो था नॉर्वे तो फर्स्ट रैंक पे था दूसरा में आपका आयरलैंड आ गया था ठीक है ना इसमें यदि देखोगे तो आयरलैंड ये दूसरा में आयरलैंड आ गया था फिर आपका आ, तीसरा में स्विट्जरलैंड फिर हांगकांग आइसलैंड जर्मनी स्विट्जरलैंड ये ठीक है आ, ये सब आपके रैंकिंग में थे तो उस समय तत्कालीन समय में ये थे नेक्स्ट आपका है कंधमाल हल्दी विच रिसीव जीआई टैग रिसेंटली तो कंधमाल हल्दी जो क्या है वो आपका आ, सदर्न ओडिशा का तो इसमें थर्टीन क्वेश्चन थे और देखो ये इस ईयर वाला जो था वो टफ था नो no डाउट क्योंकि कोर क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरली हम कोर क्वेश्चन जैसे जिन्होंने इकोनॉमी अच्छे तरीके से पढ़ा या फिर जिनका ग्रेजुएशन वगैरह में था तो वो सारे क्वेश्चंस कर सकते थे लेकिन जिन्होंने उस ढंग से चीज़ों को नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल एनीवे वे कुछ टाइम किसी सब्जेक्ट का टफ आ जाता है किसी टाइम कुछ का आ जाता है यू कैन नॉट डू एनी हमारे लिए ये है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे तरीके से देखें ताकि कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट जो बहुत सारा टफ भी लगता है फर्स्ट इंस्टेंस में हम उसको पकड़ सकें यही हमारी कोशिश होनी चाहिए ओके थैंक यू